क्या कह रहे हैं भैया राहुल गांधी, ये कह रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन जो थी ओआरओपी, ठीक है, ये जवानों को ज्यादा मिलनी चाहिए थी, उनको ज्यादा जरूरत है, अफसरों को कम जरूरत है। एक तो उन्होंने ये बोल दिया। दूसरा भाई साहब ने ये बोल दिया कि जवान लड़ते हैं, अफसर कम लड़ते हैं, जवान ज्यादा लड़ते हैं। अभी पता नहीं कौन स्टोरी सुना रहा है, और या तो विश्वास कर रहे हैं, खुद मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, किसी ने गलत ब्रीफ करा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। वेरी सिंपल राहुल, देखिए ऐसा है, स्टोरी क्या है समझिए। स्टोरी वन रैंक वन पेंशन एक मुहिम थी जो हम फौजियों ने चलाई थी, उसमें मैं भी शामिल था। मैं भी जंतर मंतर जाके खड़ा हो रखा हूं वहां पे सब लोगों के साथ, अफसर भी थे वहां पे, जवान भी थे, सब। अच्छा, क्या जवानों को, या हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन ऑफिसर रैंक है, एनसीओज, जेसीओ साहिबान जो हैं, क्या वो 100% खुश हैं? नहीं। क्या वो, क्योंकि मैं इनसे बात करता रहूं कि नहीं साहब ये भी मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, तो उनकी जो मांगे थी क्या वो पूरी हुई हैं? नहीं, अकॉर्डिंग टू जवान्स एंड जेसीओस, जो वो कह रहे हैं मैं उनकी बात बता रहा हूं। क्योंकि देखिए मेरा ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों गया था वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए? क्योंकि मेरे फौजी भाई थे। मेरा लेना देना कुछ नहीं ओआरओपी से, मुझे तो पेंशन भी नहीं मिलती। मैं राहुल आपको बता दूं, मुझे पेंशन भी नहीं मिलती। जी हां पूर्व सैनिक भाइयों, राहुल गांधी के वन रैंक वन पेंशन पर लेह में दिए गए बयान के ऊपर अफसरों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में अभी राहुल गांधी के ऊपर मेजर गौरव आर्या, जो कि एक पत्रकार भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है, और उन्होंने इसे जवान, जेसीओ और ऑफिसर में फूट डालने को बताया। मेजर गौरव आर्या का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अफसर, जेसीओ, जवान के बीच फूट डाल रहे हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने लेह के दौरे में क्या कहा था। इसको ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद ओआरओपी ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए, और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है, मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी ज़िंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी है। पूरा सर, हमारा जवानी तो मेजर गौरव आर्या तो एक अफसर हैं, मेजर साहब हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अफसरों का ही साथ देंगे, लेकिन वो ये क्यों नहीं देख रहे कि पिछले 8 महीने से जवान, जेसीओ, जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन में हुई विसंगतियों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इसके ऊपर मेजर गौरव आर्या ने कोई बयान नहीं दिया, ऐसा क्यों?